ये जो मैं पहले चावल पका चुकी थी, पहले कुछ वीडियो बनाई हूँ मैं, तो वो बीच में मैं स्किप कर दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा था। तो मैंने चावल भी पका चुके हैं, ये चावल आधा जो है मैं पहले डाल दी हूँ इस पर, आधा चावल मैंने डाल दी है उस पर वो ताए लगाने के लिए। अब मैं ये और आधा चावल भी इस प्लेट पर डाल दूँगी। मैं वो केसर और दूध का ये बना कर रखी थी, केसर डालकर दूध में मिला कर रखी थी, देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। ये मैं केसर ऑनलाइन में मंगाई हूँ, आप लोग भी चाहे तो ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड में हैं। और ये कलर है ग्रीन, ये हमारे यहाँ अंडमान में बिरयानी में डलता है, तो मैंने ज़्यादा कलर नहीं डाला है, हल्का सा एक कलर डाला है। और उसके बाद मैं जो ये प्याज ब्राउन किया हुआ जो था वो मैं सारा मिला चुकी हूँ। मैं आलू फ्राई करके रखी थी, उस आलू को भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। और ज़रा सा बिरयानी मसाला है ये, ज़रा सा ऊपर से छीट दूंगी। और मैं देसी घी ली हूँ अमूल का, घी डालूँगी ज़रा ज़रा। और मैं इसमें ज़रा चम्मच तेल भी डाल रही हूँ ऊपर से। ये मैं अब बिरयानी को दम में डालने के लिए मैं कढ़ाई एक तवा रख चुकी हूँ, और बिरयानी जो है ढक कर इसके ऊपर रख दी हूँ। इसे मैं तब तक रखूँगी, इसे मैं तब तक ढककर इसके दम में डाल के रखी कि जब तक वो अच्छे से गर्म ना हो जाए, चावल अच्छे से पक ना जाए अंदर में। ठीक है, तब तक इंतज़ार करते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं बिरयानी कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये देखिए मैंने निकाल लिए हैं बिरयानी खाने के लिए। और आप लोग सबको ही मेरे वीडियो को देखिए और कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पहले जो वीडियो बनाई हूँ उसमें आधा है वो भी देखिए बिरयानी कैसा बना, फिर मुझे बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।